नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सम्मति के दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा। ये संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया। आपको बता दें कि फरवरी में बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टाम्प ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार नगर निगम में इसका विरोध हो रहा था। पार्षदों ने मांग उठाई कि राजधानी में दाखिल खारिज शुल्क में कटौती की जानी चाहिए, जिसके बाद नगर निगम ने सभी की सहमति के बाद संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क को आधा कर दिया है। यानी कि अब जो व्यक्ति संपत्ति के दाखिला खारिज पर 2000 खर्च करता है, उसे 1000 खर्च करने होंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। गत बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ था कि जो हमारा म्यूटेशन शुल्क है, उसका जो 150 रुपये की जो फीस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, उसको रेशनलाइज करके बढ़ाया जाए। और बोर्ड की ही सहमति के अनुसार समिति का, पार्षदों की समिति का गठन करते हुए उन्हीं से प्रस्ताव जो है फाइनल प्राप्त करके उसको लागू किया गया था। वर्तमान में उसको लागू करने के पश्चात कई जगह से इस प्रकार का थोड़ा सा शिकायत आई है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और इसके संबंध में इस बोर्ड बैठक में ये शुल्क में 50% की जो है छूट देने का जो है प्रस्ताव हुआ है, और इसको हम लोग जल्दी लागू कर देंगे। और मेरा मानना है कि इसके बाद भी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमने स्लैब वाइज बनाई हैं, तो वो रेशनलाइज रहेंगी और इसमें